वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम T1 स्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर एग्जांपल्स करेंगे जो T1 स्पेस होगी, फिर वो भी एग्जांपल करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो T1 स्पेस नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। देखिए, अगर एक्स कोमा टाओ हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, एक्स कॉमा टाओ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस को हम कहेंगे कि जो ये स्पेस है हमारे पास एक्स कॉमा टाओ इज T1 स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x नॉट इक्वल टू y। हमने क्या करना है, कोई भी स्पेस में से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ये हमने स्पेस में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए और इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमारे पास अब दो ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए। दैट इज फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स कॉमा वाई देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स जी एंड एच। और वो कैसे सेट होने, तो अब जो ये ओपन सेट है हमारे पास जी एंड एच, वो किस तरह के होंगे कि अगर मान लें हम कि जो जी है हमारे पास वो इस पॉइंट को कंटेन करता है, ये सेट हमारे पास जी है, अगर वो x को कंटेन कर रहा है तो वो y को कंटेन नहीं करना चाहिए, और एक दूसरा h ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि हमारे पास y को कंटेन कर रहा हो बट x को कंटेन ना करे। तो इस तरह के हमें दो ओपन सेट चाहिए जो कि एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे को कंटेन ना करे। दूसरे वाला जो होगा वो इस वाले पॉइंट को कंटेन करेगा बट इसको कंटेन नहीं करेगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट जी एंड एच सच दैट अगर जो हमारे पास जी सेट है उसमें हमारे पास एक्स पॉइंट बिलोंग कर रहा है तो जो वाई पॉइंट होगा वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे सेट में बिलोंग करना चाहिए बट जो ये एक्स पॉइंट होगा हमारे पास वो इस एच में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए जो जी है वो एक्स को कंटेन कर रहा है बट वाई को कंटेन नहीं कर रहा। उसके बाद जो एच है वो हमारे पास वाई को कंटेन कर रहा है बट एक्स को कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। इनके बीच में कुछ और कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं, दूसरे कोई भी और कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं बट एक्स एंड वाई जो है वो नहीं आने चाहिए इनके बीच में, ठीक है। तो अगर स्पेस के सभी पॉइंट्स के लिए हमें कोई भी दो ऐसे ओपन सेट्स मिलते हैं जो कि एक पॉइंट को, अगर वो एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा, और एक जो दूसरे वाला ओपन सेट है वो इसको कंटेन कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा, तो ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं T1 स्पेस। अब इसका नेगेटिव क्या होगा कि कोई भी स्पेस है वो हमारे पास एक T1 स्पेस नहीं होगी। दैट मीन्स क्या होगा कि किन्हीं कोई भी, मतलब कि हम कह सकते हैं एट लीस्ट हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, उनके लिए हमें कोई भी दो ओपन सेट ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी नेगेटिव में डेफिनेशन है जो वो बन जाएगी, दैट इज नॉट अ T1 स्पेस की। अब हम कुछ हम उस डेफिनेशन को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक्स एबीसी सेट दिया होगा और टाउ हमने एक स्पेस पर टोपोलॉजिकल स्पेस है वो डिफाइन की हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए नॉट इक्वल टू सी। अब इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें दो ओपन सेट चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ए के लिए हम सिंकलटन सेट ए ले लेते हैं, और इसके लिए ये जी है, ये हमारे एच हैं, ये हम सिंकलटन सेट बी ले लेते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट है दूसरा नहीं है, इसमें दूसरा पॉइंट है बट ये वाला नहीं है, तो इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सिंगलटन सेट बी,
सिंगलटन सेट सी ले सकते हैं, और यहाँ पर सिंगलटन सेट ए एंड सिंगलटन सेट सी ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे यहाँ पर ओपन सेट्स हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास एक स्पेस बन रही है वो क्या है, एक टी वन स्पेस है, क्योंकि हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें ओपन सेट मिल रहे हैं जो एक पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं बट दूसरे को नहीं करते। ठीक है, तो अब हम हमारी सेकंड एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये चेक करते हैं क्या ये हमारे पास एक टी वन स्पेस है या नहीं। तो उसी तरह से हम सबसे पहले ए नॉट इक्वल टू बी लेते हैं, फिर बी नॉट इक्वल टू सी लेते हैं, फिर ए नॉट इक्वल टू सी लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम जी और एच लेंगे। ए और बी के लिए तो हमें यहाँ पर सिंगलटन सेट ए एंड सिंगलटन सेट बी मिल रहा है। ठीक है, बी और सी के लिए, अब देखिए बी के लिए जो भी हमारे पास पॉइंट पड़ा है वो हम या तो बी ले सकते हैं, या देखिए अब बी के ओपन सेट कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो बी होगा, या तो वो ए बी होगा, या तो वो एक्स होगा। बी के सारे हमारे पास ओपन सेट हैं, बट सी को कंटेन करने वाला सिर्फ हमारे पास एक ही ओपन सेट है, वो है एक्स। फाइन, तो देखिए जितने भी अब हमारे पास ऐसे दो सेट्स हैं जो वो नहीं मिल सकते हमें, क्योंकि देखिए अगर ये हम इसको लेते हैं और इसमें भी बी होगा, अगर हम ये लेते हैं इसमें हमारे पास बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी हमें ओपन सेट नहीं मिलेगा जो हमारी वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। दो ओपन सेट यहाँ से हमारे पास नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें हमेशा एक एक्स ही लेना पड़ेगा ना, सी का ओपन सेट सिर्फ एक्स है। तो जो हम दूसरा लेंगे इन दोनों की जो कॉमन पॉइंट है वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी स्पेस ली है। तो इट मीन्स बी नॉट इक्वल टू सी के लिए ये कंडीशन है जो हमारे पास वो सेटिस्फाई नहीं कर दी। तो दैट मीन्स ये हमारे पास एक टी वन स्पेस नहीं है।